हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वीटी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम दाल पालक बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले इंडक्शन ऑन कर देंगे। फिर इसमें हम 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। इसको गर्म होने देते हैं। इतने मैं दिखा दूँ, मैंने पालक काट के रखी है। ये मूंग की दाल है, मूंग की दाल मैंने भिगो के रखी है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। और हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। थोड़ी सी हींग डालेंगे, 1/2 चम्मच। हम इसमें प्याज डालेंगे। 1 बड़ा प्याज ले लीजिए, इसको मैंने बारीक काटा हुआ है, ये देखिए। इतना ही हमारा प्याज लाल होगा, इसमें टमाटर काट लेते हैं। 1 बड़ा टमाटर लिया है मैंने इसके लिए। हमारा प्याज लाल हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ये भी देखिए, टमाटर जब तक सॉफ्ट होगा तब तक थोड़ा सा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, थोड़ा वो डाल लेते हैं। 2 चम्मच डाला है मैंने, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें नमक डालेंगे। पहले थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया सूखा, थोड़ा गरम मसाला, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले। अब इसमें मैंने जो पालक काट के डाली है, रखी है, वो डाल देते हैं। ये देखिए, पालक इसमें मिक्स हो गई है अच्छी तरह से। मैं आपको फिर दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाला, उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला। जीरा डालने के बाद फिर मैंने हींग डाली 1/2 चम्मच। उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिए बारीक बारीक काट के। प्याज जब मेरे भून गए, उसके बाद मैंने टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाला इसमें। पानी डालने के बाद फिर इसमें पालक जो मैंने काट के रखी थी वो डाल दी। अब ये मसाले मिक्स हो चुके हैं हमारे इसके। अब मैं इसमें जो मैंने दाल, मूंग की दाल भिगो के रखी थी, मूंग धुली, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। ये 250 ग्राम मूंग की दाल है जो मैंने भिगो के रखी थी। बाकी हम 1 ग्लास पानी लिया था मैंने, थोड़ा सा दाल में भी था पानी। अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए,
ये हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हमने इसमें एक सीटी लगानी है बस खाली, क्योंकि हमने दाल पहले भिगो के रखी थी, इसके लिए ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल रेसिपी है, तो इसमें एक सीटी जब तक आती है तब तक हम वेट करते हैं। देखिए हमारा रेडी हो चुकी है, इसमें सीटी आ गई है। अब इसको हम बंद कर देते हैं। हमारा हो चुका है, दाल हो चुकी है, फिर इसको बंद कर देते हैं इंडक्शन को। ये थोड़ा कुकर ठंडा हो जाए फिर खोल के हम दिखाते हैं आपको। तब तक मैं इसके लिए तड़का तैयार कर लेती हूँ। जीरे, जीरा, देसी घी में एक चम्मच और थोड़ी सी नींद और थोड़ी लाल मिर्च। ये देखिए अब मैंने कुकर खोला है, इसमें ये देखिए हमारी दाल रेडी है। दाल हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम इसको इसमें शिफ्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारी दाल पालक रेडी है। अब हम इसके लिए तड़का हमने तैयार कर लिया है। ये हमने इसमें तड़का तैयार है इसका। ये हमने देसी घी में जीरा, हींग और लाल मिर्च किसी भी ये डाली है। अब हम इसके ऊपर इसको डाल देते हैं। हमारी दाल तड़का रेडी है, दाल पालक, इसमें हमने तड़का लगा दिया है। अब ये दाल तड़का पालक तीनों हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।